आज मैं लेके आई हूँ आधा कप कच्चा चावल और आधा कप कच्चे दाल से बनने वाली बिल्कुल यूनिक रेसिपी, जिसे आज से पहले ना आपने कभी खाई होगी ना आपने कभी बनाई होगी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बनाना भी बहुत ईजी है, झटपट से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इस न्यू रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप कच्चे चावल लिए हैं। ये मैंने गोविंद भोग चावल लिया है, आप इसके जगह पे कोई भी चावल ले सकते हैं। और हाफ कप ही मैंने पीली मूंग की दाल ली है। यहाँ पे मैंने दोनों को क्वांटिटी सेम ली है। अब हम दोनों को एक बड़े से बोल में डाल लेंगे और इसे हम बहुत ही अच्छे से 2 से 3 बार धोएंगे, जब तक कि इसके ऊपर की जो गंदगी है वो साफ़ ना हो जाए। तो अच्छे से हम रगड़ रगड़ के इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम एक इस तरह का बड़ा सा कपड़ा डालेंगे कॉटन का, और उसके ऊपर हम चावल और दाल को इस तरह से फैला लेंगे पानी से निकाल के। अब हम इसे इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से ऊपर से इसे ड्राई कर लेंगे चावल और दाल को। अगर धूप है तो आप इसे 1 से आधे घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं, हल्की धूप में, या फिर आप इसे पंखे के हवा के नीचे भी रख सकते हैं। बस हमें इसे थोड़ा सा ड्राई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप इसे इसी तरह से फैला के आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक कढ़ाई रखी है और इसमें हम लगभग हाफ कप के करीब देसी घी डाल देंगे। इस मिठाई को हम देसी घी में ही बनाएंगे, हम क्योंकि गणपति का प्रसाद बना रहे हैं। तो हाफ कप के करीब देसी घी डाला है। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें चावल और दाल को डाल देंगे और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। इसे हम इसमें मैं यहाँ पे एक ही बार में डाल रही हूँ। आप इसे जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो 2 से 3 बार में इसे आप फ्राई कर सकते हैं। दाल और चावल को हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भूनना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और यहाँ पर देखिए इसे बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ बिल्कुल अलग तरह की और बहुत ही न्यू टाइप की रेसिपी है। आप इस तरह से बना के गणपति का प्रसाद बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चावल और दाल अच्छे से भून चुका है। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। घी को हम इस तरह से छन्नी से निकाल के इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे सारा। यह अभी काफ़ी गर्म है, हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए देंगे, उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद हमारा जो ये दाल चावल है अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे हम घी के साथ ही ग्राइंडर जार में डाल देंगे, जो इसमें घी बचा हुआ है इसके साथ ही डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें मिक्सी को रोक रोक के इसे हमें पाउडर फॉर्म में कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है, बट ये अभी अच्छे से नहीं पीसा है, हम इसे एक बार और ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का पाउडर डाल रहे हैं और इसके साथ ही हम इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने चावल, दाल और नारियल को अच्छे से मिक्स करके पीस लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे हाफ कप चीनी और हाफ कप से थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम चीनी को बहुत ही अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चीनी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुका है और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल ही लो रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल और दाल को जो हमने पीस के रखा है, उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है, हाई या मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। आप जितना चीनी ले रहे हैं उससे आप डबल भी पानी ले सकते हैं। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके जो दाने हैं चावल और दाल के वो बिल्कुल पक ना जाए, तब तक हम इसे लो फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट हमने इसे पकाया है और ये देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया हमारा जो ये मिक्सचर है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 पिंच के करीब येल्लो फूड कलर। कलर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए मैं 2 इलायची के दाने को इस तरह से कूट के इसमें डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा प्रसाद में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल एक डो जैसा ना हो जाए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रसाद का मिक्सचर था बिल्कुल अच्छे से डो जैसा हो गया है और कढ़ाई को भी छोड़ रहा है। तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड रख देंगे। और गैस पे मैंने फिर से उसी कढ़ाई को रख दिया जिसमें दाल और चावल को फ्राई किए थे। उसमें हम डाल देंगे लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच के करीब मगज के दाने या फिर वाटरमेलन सीड जिसे कहते हैं, खरबूजे के बीज। उसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर जब तक इसके दाने फूट ना जाए। यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसे हम निकाल के प्रसाद में मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा प्रसाद में। इसे हमें इसे मिक्स करके अच्छे से एक बार इसे चला देना है। और अभी जो मिक्सचर है वो अभी भी गर्म है तो हम इसे बहुत ही अच्छे से पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे लड्डू या प्रसाद बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट में हमारे जो लड्डू के मिक्सचर थे अच्छे से ठंडा हो गए। अब हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और गोल गोल लड्डू का शेप दे देंगे। इस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं गणपति के प्रसाद के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है और थोड़ा सा अलग इसमें टेस्ट आता है। ये प्रसाद बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो आप इस तरह से सारे लड्डू को बना के तैयार कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा गणपति जी के लिए बहुत ही टेस्टी लड्डू। और ये बनाना भी बहुत इजी है। इसे आप फ्रिज में या फिर बाहर रख के भी लगभग 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।